बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले हम ये जो हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं, इसके हम दो क्वेश्चन जो हैं वो पिछली दो वीडियोस में जो है वो सॉल्व कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम इस पेपर का जो थर्ड क्वेश्चन है और जो इसका लास्ट क्वेश्चन है, जो इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं, दो हम पहले सॉल्व कर चुके हैं और ये इसका लास्ट क्वेश्चन है, तो आज हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और जो क्वेश्चन है वो इंडेक्स नंबर के टॉपिक में से है एंड क्वेश्चन इज कंस्ट्रक्ट इंडेक्स नंबर ऑफ प्राइसेस। हमने प्राइस इंडेक्स नंबर फाइंड करना है और हमने यूज़ करना है उसमें लेसपियर्स और पाशीज फार्मूलाज। लेसपियर्स और पाशीज को हमने यूज़ करके इंडेक्स नंबर फाइंड करना है और जो हमें डेटा दिया गया है उसमें हमें कमोडिटीज़ दी गई हैं ए बी सी डी और बेस ईयर, बेस ईयर की प्राइस और बेस ईयर की क्वांटिटीज़ जो है वो गिवन है। इसी तरह करंट ईयर, करंट ईयर की प्राइस और करंट ईयर की क्वांटिटीज़ जो है वो भी गिवन है। तो पहले हम इनके फार्मूलाज लिख लेते हैं, जो फार्मूलाज हमने यूज़ करने हैं। नंबर वन लेस पियर्स प्राइस इंडेक्स, समेशन पी एन पी नॉट ओवर समेशन पी नॉट, समेशन पी एन क्यू नॉट ओवर समेशन पी नॉट क्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय 100। और सेकंड जो हमने पाशीज इंडेक्स फाइंड करना है उसका फार्मूला है पाशीज प्राइस इंडेक्स। पाशीज प्राइस इंडेक्स नंबर का फार्मूला है समेशन पी एन क्यू एन ओवर समेशन पी नॉट क्यू एन मल्टीप्लाई बाय 100। सेम फार्मूला, सिर्फ ये जो क्यू है इसके नॉट की जगह हमने एन जो है वो लिखना है। नॉट बेस के लिए इस्तेमाल होता है और एन जो है वो करंट के लिए। तो ये जो बेस ईयर की प्राइस है, बेस ईयर की प्राइस वाला कॉलम जो है ये है, इसको हम पी नॉट से डिनोट करेंगे और बेस ईयर की जो क्वांटिटी है उसका कॉलम जो है वो है क्यू नॉट। करंट ईयर की प्राइस जो है वो है पी एन और करंट ईयर की क्वांटिटी क्यू एन। तो ये टोटल फाइंड करने के लिए हम ये टेबल जो है वो कंप्लीट करते हैं, जिसमें पी नॉट क्वेश्चन में गिवन है, क्यू नॉट गिवन है, पी एन गिवन है, क्यू एन गिवन है। एक कॉलम हमने फाइंड करना है पी नॉट क्यू नॉट, एक पी नॉट क्यू एन, पी एन क्यू नॉट एंड पी एन क्यू एन। ये कॉलम्स हमने कंप्लीट करने हैं जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। पहले हम वो लिख लेते हैं पी नॉट 6, 2, 4, 10, क्यू नॉट 50, 100, 61, 30, पी एन की वैल्यूज है 10, 2, 6, 12 और क्यू एन की वैल्यूज हैं 50, 120, 60, 24। अब पी नॉट और क्यू नॉट, पी नॉट और क्यू नॉट, हमने इन पी नॉट और क्यू नॉट की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है। 6 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, 6 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 300, 2 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 200 और 6 को मल्टीप्लाई 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 61 के साथ तो ये आएगा 244, 10 मल्टीप्लाई बाय 30 आ जाएगा 300। इसका हम टोटल भी साथ ही कर लेते हैं, इन वैल्यूज़ को ऐड कर लेते हैं, 300 प्लस 200 प्लस 244 प्लस 300, तो इसका टोटल आ गया 1044। ये टोटल है जी पी नॉट और क्यू नॉट का, यानी समेशन पी नॉट क्यू नॉट आ गया 1044। अब नेक्स्ट कॉलम पी नॉट क्यू एन,
तो ये पी नाट फर्स्ट कॉलम और क्यू एन फोर्थ कॉलम, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 50 300, 2 × 120 240, 4 × 60 240, 10 × 24 240। अब इनको ऐड कर लेते हैं, ये टोटल आ जाएगा 300 + 240 + 240 + 240, ये आ गया जी 1020। और ये टोटल आया हमारे पास पी नाट क्यू एन, यानी सुमेशन पी नाट क्यू एन की वैल्यू आ गई 1020। नेक्स्ट पी एन क्यू नाट, पी एन ये थर्ड कॉलम है और क्यू नाट सेकेंड है, थर्ड और सेकेंड को मल्टीप्लाई करेंगे, 10 × 50 500, 2 × 100 200, 6 × 61 366, 12 × 30 तो ये आ जाएगा 360। इस कॉलम का टोटल फाइंड कर लेते हैं, 500 + 200 + 366 + 360 तो ये टोटल आ गया 1426। और ये आ गया हमारे पास सुमेशन पी एन क्यू नाट। लास्ट कॉलम है पी एन क्यू एन, पी एन थर्ड कॉलम है, क्यू एन फोर्थ कॉलम है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 10 × 50 500, 2 × 120 240, 6 × 60 360, 12 × 24 तो आएगा 288। अब लास्ट कॉलम का टोटल 500 + 240 + 360 + 288 तो ये आ गया जी 1388। ये टोटल आ गया हमारे पास पी एन क्यू एन का, यानी समेशन पी एन क्यू एन की वैल्यू आ गई। अब पहले हम इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं, पी एन क्यू नाट का टोटल है, पी एन क्यू नाट का टोटल है 1426 ओवर पी नाट क्यू नाट का टोटल है 1044 × 100। तो 1426 को डिवाइड करेंगे 1044 में, 1.3659 आ गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ तो ये आंसर आ गया 136.59। नेक्स्ट इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, पी एन क्यू एन का टोटल, पी एन क्यू एन का टोटल है 1388 ओवर समेशन पी नाट क्यू एन, समेशन पी नाट क्यू एन है 1020 मल्टीप्लाई बाय 100। 1388 को डिवाइड करेंगे 1020 पे तो ये आ जाएगा 1.36078, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ तो इसका आंसर आ गया 136.08। तो ये दोनों इंडेक्स नंबर्स के आंसर आ गए। ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने लेस्पियर्स और पाशीस के फार्मूलाज यूज़ करके प्राइस इंडेक्स नंबर फाइंड करने थे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, और मज़ीद नई वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो आज के लिए इतने काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह कल। ओके, अल्लाह हाफिज़।